कांग्रेस के लिए एक तरफ खुशी का तो दूसरा तरफ गम का माहौल लेकर आया है। एक तरफ पार्टी के तीन बड़े नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख दंगों का आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ऐसे में मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले कमलनाथ दंगों के आरोप में एक बार फिर घिर गए हैं।